कुछ महीने पहले फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने संसद के मॉनसून सत्र में एनआरआईज पर एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में 2011 से लेकर जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत नेशनलिटी छोड़कर दूसरे देशों की नेशनलिटी ली है उसका पूरा डेटा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से लेकर जून 2023 तक 17.5 लाख लोग अपनी इंडियन नेशनलिटी छोड़ चुके हैं। मोदी राज की बात करें तो 2014 से जून 2023 तक यानी पिछले 9 साल में 13 लाख से ज्यादा लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। और आंकड़े कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल महज 6 महीने में ही 87,000 लोग अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। 2020 जो कि कोविड अफेक्टेड साल था उसे अगर छोड़ दें तो भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। आंकड़ों में सबसे ज्यादा उछाल कोविड के बाद साल 2022 में देखने को मिला था। लेकिन सवाल यह है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में देश छोड़ क्यों रहे हैं और इसका भारत को कितना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। आज हम इसी इशू को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी सरकार इस प्रॉब्लम से देश को कैसे बचा सकती है। सबसे पहले हम विदेश मंत्री ने जो डेटा संसद में पेश किया है उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने संसद में बताया कि 2011 से लेकर जून 2023 तक 17.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इसके साथ ही मिनिस्टर ने उन 135 देशों की लिस्ट भी पेश की जहां की नागरिकता इन भारतीयों ने ली है। उनके मुताबिक सबसे ज्यादा लोगों ने 2022 में भारत की नागरिकता को छोड़ा, जबकि साल 2020 में भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 85,256 थी जो कि सबसे कम थी। और इसके पीछे कोरोना लॉकडाउन सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि 2020 में दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ पर नागरिकता देना कम कर दिया था। 2020 के डेटा को अगर इग्नोर भी कर दें तो भारतीय नागरिकता को छोड़ने का ट्रेंड 2011 से लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान 5 भारतीयों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नागरिकता मिली, क्योंकि यूएई ज्यादातर लोगों को मान्यता देता ही नहीं है। इसके साथ ही मिलियनर्स के डेटा की बात करें तो यूके बेस्ड हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 8,000 मिलियनर्स ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। इस मामले में भारत रूस और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वहीं पर रूस के 15,000 और चीन के 10,000 मिलियनर्स ने साल 2022 में अपने देश की नागरिकता छोड़ी थी। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि भारत के लिए मिलियनर्स का ये माइग्रेशन चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत के जितने मिलियनर्स भारत की नागरिकता को छोड़ते हैं उससे ज्यादा नए मिलियनर्स देश में बन जाते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2031 तक भारत के मिलियनर्स की संख्या 80% बढ़ जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों यूएस बेस्ड फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनली ने 2018 में डॉलर मिलियनर्स को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक 2014 से 2018 के बीच में 23,000 ऐसे लोग जो कि डॉलर मिलियनर कहलाते हैं वो भी भारत छोड़ चुके हैं। दरअसल डॉलर मिलियनर दोस्तों उन्हें कहते हैं जिनके पास कम से कम $1 million की प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ ही ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के एक डेटा के मुताबिक साल 2020 में 7,000 इंडियन मिलियनर्स ने देश की नागरिकता छोड़ी थी। इस सिलसिले में इंडिया एक्सप्रेस द्वारा फाइल की गई आरटीआई के जवाब में एमईए द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक 2011 से 2022 के बीच में 69,303 लोगों ने अपने पासपोर्ट को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में सरेंडर किए, जिसमें से 90% लोग गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ के थे और सबसे ज्यादा लोग गोवा से। इसमें से सिर्फ गोवा पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में 40.45% लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर किए। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा दिए गए इस डेटा ने सरकार की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इंडियन नेशनलिटी को छोड़ने वाले लोगों की इस लिस्ट में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, बिजनेस ओनर्स जैसे लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इससे देश का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में भारत के टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड पीपल दूसरे देशों में जाकर उनके ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों तक को संभालते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन हाईली स्किल्ड इंडियंस की एजुकेशन, स्किल और हार्ड वर्क का सारा बेनिफिट उन देशों को मिल जाता है, जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है। साथ ही इन ओवरसीज इंडियंस की स्किल और उनकी मेहनत की वजह से उस देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन भारत को रिटर्न में कुछ खास नहीं मिल रहा है साहब। इस लेवल का ब्रेन ड्रेन होना हमारे देश के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है। वैसे अब तक हमने बात की कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग
देश छोड़ रहे हैं और उससे भारत को नुकसान क्या हो रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से वो देश हैं जहां की नागरिकता लेना भारतीयों को ज्यादा पसंद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिन 135 देशों की लिस्ट संसद में रखी थी उसके मुताबिक पिछले 3 सालों के दौरान इंडियंस ने सबसे ज्यादा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की नागरिकता ली है। 2019 से 2021 के बीच 1,70,795 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर अमेरिका की सिटीजनशिप ली है, जबकि 64,071 ने कनाडा, 58,391 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और 35,435 भारतीय लोगों ने ब्रिटेन की नागरिकता को हासिल किया है। यानी ये कह सकते हैं कि अमेरिका माइग्रेंट इंडियंस के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। सिर्फ 2021 में ही 78,000 लोगों ने अमेरिकन सिटीजन बनने के लिए भारत की नागरिकता को छोड़ा था। अगर एक एवरेज वैल्यू को देखें तो करीब 55,000 इंडियंस हर साल अमेरिकन सिटीजनशिप को अपना रहे हैं। इसके अलावा इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, स्वीडन, पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों में भी हमारे देश के टैलेंटेड लोग परमानेंटली सेटल हुए। लेकिन ऐसे में एक सवाल हम सभी के मन में आ सकता है कि आखिर इतने टैलेंटेड लोग क्यों अपने देश को परमानेंटली छोड़ रहे हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में सरकार ने इसे लोगों का पर्सनल डिसीजन बताया, लेकिन इस माइग्रेशन के पीछे एक नहीं कई कारण है जिसे अब हम समझते हैं। एक इनसाइडर सर्वे 2021 के मुताबिक 59% इंडियंस ने एक अच्छी नौकरी के तलाश में भारत को छोड़ दूसरे देशों की नागरिकता ली, और इनके अकॉर्डिंग अच्छी नौकरी के लिए अमेरिका बेस्ट कंट्री बन जाता है। इस वक्त अमेरिका में इंडियंस इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इनकी आबादी वहां पर करीब 40 लाख है, जो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 1% है। लेकिन 1% वाली ये कम्युनिटी वहां की सरकार को करीब 6% टैक्स भी देती है। अमेरिका समेत दूसरे कई देशों में इंडियंस को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ ही हाई सैलरी भी मिलती है, और जो शायद इंडिया में रहकर उन्हें कभी ना मिले। सिंपल सी बात है साहब, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो अपने और अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वहीं अच्छी नौकरी के अलावा लोगों को इन देशों में अच्छी एजुकेशन भी मिल जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 34% भारतीय सिर्फ अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए भारत को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज को अपना आशियाना बना रहे हैं। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों की एजुकेशन क्वालिटी, स्पेशली हायर एजुकेशन, भारत के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। इनके यहाँ एजुकेशन आज इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के लेवल की है। इंडस्ट्रीज को अपने एम्प्लॉयज में जो स्किल चाहिए होती है उन देशों के इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को वही स्किल्स दी जाती हैं। अब इसे हम भारत के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम आज की जरूरतों के हिसाब से सही नहीं है। एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए देश में आवाज तो उठी, लेकिन इस पर कुछ खास काम अब तक नहीं हो पाया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाने में 34 साल लग गए। हालांकि भारत की एजुकेशन कुछ देशों के मुकाबले भले ही लोअर क्वालिटी की हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशन से हाई स्किल्ड और टैलेंटेड लोग निकलते हैं और विदेशों में इनकी डिमांड बहुत हाई रहती है। स्टैंडर्ड लाइफ, हाई क्वालिटी एजुकेशन, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, गुड हेल्थ फैसिलिटी, क्लीन एनवायरमेंट और लैंड की वास्ट अवेलेबिलिटी, दोस्तों ये सब वो फैसिलिटीज हैं जिन्हें पाने की चाह हर किसी में रहती है। और फिर ये चीज जहां भी मिलती है लोग वहां पर जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये सब चीज भारतीयों को अपने देश में नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मनी जैसे देशों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही भारत की नागरिकता को छोड़ने के पीछे एक और बड़ा कारण माना जाता है, वो ये है कि भारत किसी को दोहरी नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता है। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी भारतीय ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। और ये कहा जा सकता है कि अगर भारत डबल सिटीजनशिप को रखने की फैसिलिटी अपने नागरिकों को देता तो शायद इतने बड़े पैमाने पर लोग भारत की नागरिकता ना छोड़ते। भारत की नागरिकता छोड़ने के पीछे एक छोटा कारण ये भी माना जाता है साहब कि कुछ अपराधी लोग भी भारत की कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए दूसरे देश भाग जाते हैं और वहां पर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या गोल्डन वीजा प्रोग्राम की हेल्प से वहां के नागरिक बन जाते हैं। दोस्तों आज के समय पर कई ऐसे देश हैं जो अपने देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गोल्डन वीजा प्रोग्राम या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके लिए लोग उस देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो वहां की सरकार ने फिक्स कर रखी होती है और सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये देश अपने यहाँ की सिटीजनशिप को बेच रहे हैं। इसमें एंटीगुआ और बर्बुडा, टर्की, वैनुआटू, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल, डोमिनिका के साथ कई ऐसे देश शामिल हैं।
अब मेहुल चौकसी को ही आप ले लो। भारत में करोड़ों का फ्रॉड करके ये एंटीगुआ एंड बरबुडा भाग गए और वहां पर $1,00,000 इन्वेस्ट करके वहां के नागरिक बन गए और इसी कारण से अब तक भारत नहीं लाया जा सका है इन्हें। ये सब वो वजह हैं जिनके कारण लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस माइग्रेशन को कैसे रोका जाए। इसके लिए सबसे पहले देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की बहुत जरूरत है। हमारे देश में IIT और IIM को क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन उनमें बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। हमें इन्हीं संस्थानों से सीख लेते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना होगा, जहां पर इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिल सके। इसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट के साथ ही डेवलपमेंट पर भी फोकस करना होगा। शिक्षा के अलावा अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश में जाते हैं। दोस्तों, अच्छी नौकरी का मतलब हाई सैलरी। इसमें यह भी देखा जाता है कि कंपनी एम्प्लॉयज को और क्या क्या सुविधा दे रही है। अमेरिकन कंपनियों की अगर बात करें तो वो अपने एम्प्लॉयज को वो सब देते हैं जिनके कारण इंडियन प्रोफेशनल्स उनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। इसके साथ ही ऐसी कई चीजें जो पश्चिमी देशों में भारत के कंपैरिजन में काफी बेहतर हैं, जैसे हेल्थ सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन सिटी और लेस पॉल्यूशन। अगर ये सारी चीजें लोगों को भारत में ही मिलनी शुरू हो जाएं, तो हमारे देश के यही प्रोफेशनल्स कहीं नहीं जाएंगे, अपने ही देश में रहकर अपने ही देश का विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, तब जाकर हमारा भारत विश्व गुरु बन पाएगा। हालांकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सरकार के करने से नहीं हो सकते, उसे पूरा करने के लिए सभी को अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही होगा। हम सभी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके देश के विकास के बारे में जरूर सोचना चाहिए। खैर, अब इसी विचार के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको इसके बारे में क्या कहना है कॉमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।